अगर तुम बॉम्बे आए और तुमने वड़ा पाव नहीं खाया तो तुम बॉम्बे क्यों आए? ये ना फालतू की मस्ती कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है भाई। मैं एक ऐसे बंदे को साथ में लेके जा रहा हूँ जो स्नैप के अलावा कुछ नहीं करता सबसे ज्यादा। फाइनली हम ऐसे बांद्रा से बैंड्रा पहुंच गए हम गाइस। बैंड्रा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंबई आ गया। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू दोनों लोग। बहुत सही। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो के अंदर। और हमारी जर्नी जो है आज ही से स्टार्ट हो रही है, तो अब हम निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए। तो पहले हम जाएंगे बॉम्बे जूही दी के घर, ठीक है। बॉम्बे एक्सप्लोर करेंगे एक दिन, और फिर नेक्स्ट डे हम निकलेंगे पुणे। और पुणे के अंदर हम जा रहे हैं दो ट्रैक करने, ठीक है। तो जो ट्रैक की जो डिटेल्स है वो मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारा जो सामान है वो पूरा रेडी हो चुका है। टाइम हो रहा है लगभग 2 बज चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है वो है आपकी 4:30 बजे की। तो मैं बार बार हमारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में इस बार जो है रवि भी जा रहा है। सही कहा, ठीक है। इतने टाइम से हम उसको कह रहे थे कि साथ में चल, बट वो जा ही नहीं पा रहा था, और फाइनली अब हमारे साथ में वो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हम आपको सीधा नांगलोई मेट्रो स्टेशन पे, और फिर वहाँ पे रवि मिलेगा, और फिर हम आगे जो है ट्रेन के लिए निजामुद्दीन जाएंगे, और फिर वहाँ से हम जो है 4:30 बजे वहाँ से निकल जाएगी ट्रेन। तो अब हम 5 से 10 मिनट के अंदर हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम निकलते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट कहता हूँ मम्मी हाय कर दो। हेलो हाय, आओ जी खाना खा के जाना। जब भी मौका मिले हमारे घर पे आना, खाना खा के जाना, ठीक है। तो चलो भाई अभी हम निकलते हैं, रवि भी वेट कर रहा होगा, और फटाफट रवि मिलेगा नांगलोई मेट्रो, हाँ मेट्रो स्टेशन। तो चलो गाइस मिलते हैं। ये ना फालतू की मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है गाइस। मेट्रो में सो अब हम पहुंच गए हैं निजामुद्दीन, और भाई के साथ में काफी सफर लंबा तय करके आए ये भाई। तो हमारा कम से कम 2 घंटे का सफर करा हुआ है भाई यहाँ से। हाँ कल रात का बंदा निकला हुआ, आज पहुँच रहा है, समझ रहे हो। हाँ देख लो कितना करना आपको, आधा किलो भाई बड़े से कर दे यार, सही से निकाल दियो भाई, लंबा सफर है। कैसा लग रहा भाई, अब ये खाएंगे? देखने में तो अमरूद लग रहे हैं, खाने में देखते हैं कीड़े निकले हैं। भाई टाइम लग गया, ठीक है। देखने भाई हमें 5-10 मिनट से तो हो गए चेक कर रहे हैं, अब जाके मिली है ट्रेन। भैया आपका सफर कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ आप ढूंढे जा रहे हो, 26 अभी तक मिला नहीं है, देख रहे हो। सो हम जो है फाइनली अब पहुंच चुके हैं भाई 26, और अपना जो कोच हमें मिल चुका है, नाम है। और ये रहो भाई पूरा पूरा एकदम, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ चलो अब इनकी फोटो चल जाती है स्नैपचैट के लिए। भाई मैं एक ऐसे बंदे को साथ में लेके जा रहा हूँ जो स्नैप के अलावा कुछ नहीं करता, सबसे ज्यादा स्नैप ही चलता है, स्नैपचैट जरूर बनना चाहिए। भाई साहब है ना हमारे चैंपियन है, ये भाई साहब हमारे चैंपियन है, जहाँ सोना है वहीं पे ये सारा सामान रख रहे हैं। भाई साहब शक्ल दिखाओगे? सही है, बढ़िया चीज है। हाँ साइड लोवर मिलके कैसा लग रहा है? हमारी जिंदगी में लाइट जाना लिखा है, चाहे ट्रेन में चाहे घर पे जाती है भाई। हम ना अब मॉर्निंग तक ही पहुंचेंगे गांव तक, मुझे उम्मीद है। अब देख लो यार ये बंदे मुझसे लड़ रहे हैं,
भाई मैंने सबसे पहले अपना बस्ता रखा तो मेरी ही होगी। साइड कर लो, चले जाएंगे आगे। नहीं जाएंगे भाई, पर लेकिन सीट यही वाली वापस। ये देखो भाई पूरे फुल कूद खा रहा है। ओ ओ ओ देख रहे हो, क्या बात है। अगर आप भी डर गए हो ना वीडियो में तो कमेंट कर देना रवि भाई, हम डर लग डरने लगे आप लोग से। तो भाई सुबह सुबह के टाइम हो रहा है 9:15 और हम पहुंच चुके हैं बैंड्रा। फाइनली हम ऐसे बांद्रा से बैंड्रा पहुंच गए हम गाइस। बैंड्रा पहुंच गया भाई। स्नैप तो बनती है मेरे भाई, स्नैप तो बनती है। मैंने क्या कहा था भाई, ये स्नैपचैट वाले हैं, इनकी स्नैपर चलेगी चलेगी। पहली बार बॉम्बे के ऑटो में बैठेंगे, पहली बार। हाँ पहली बार ऑटो में ही पहली बार बैठूंगा यार, ऑटो में ही पहली बार बैठेगा। पहुंच गए भाई फाइनली भाई के पास। ये है भैया और ये आते हुए सामने से हमारे भैया। ये मेरे भाई अब आगे दिल्ली से मुंबई। हेलो तो भाई हमारे फाइनल देखो, हमारा एक ही होता है, क्या होता है हर बार का हमारे ब्लॉग के अंदर एक जरूर बोला जाता है कि हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। अरे कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। वीडियो बनाता रहियो, ब्लॉग चलना चाहिए रेगुलर। देखो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं और हमारे भाई साहब बहुत दूर से आए हैं, इन्होंने यहाँ से सफ़र तय किया कम से कम 15-20 मिनट लगा, ठीक है। ये देखो पूरे थक चुके हैं, ये पूरा सामान और अभी ज्वेलरी आ रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, ये वो वाला सोफा अंदर कुत्ता आ जा। देख बस गया नीचे, अच्छा स्वागत करने के लिए आप। लेकिन ये थोड़ा ना अलग शहर है, शहर तो अलग है, वाइब अलग है ना। हां हां जी वो अलग, वाइब अलग है। जैसे हम ओल्ड एज में आ गए तो हम विंटेज में, विंटेज अलग है, थोड़ा सा वाइब डिफरेंट है। जैसे कहीं शहर कहीं सालों से घुरा नहीं है और इसे नहीं पता डेली बारिश होती है। तो रवि मेरे भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंबई आ गया हूं। क्या कह रहे हो? अनफिल्टर्ड है, अब बोलो, इधर बोलो। मैं कभी गाली ही नहीं देता भाई। अच्छा क्या नहीं देते? गाली। अच्छा सबसे बड़ा झूठा है। देखा मेरा भाई मेरे साथ है, ठीक है। क्या खिलाओ भाई? बड़ा पाव खाता है गोवा में, इतना बढ़िया एकदम। अरे तुम बॉम्बे का बड़ा पाव खाओगे मजा ही आ जाएगा। अगर तुम बॉम्बे आए और तुमने बड़ा पाव नहीं खाया तो तुम बॉम्बे क्यों आए? हम चीन चले, फिर बोलो बड़ा पाव। स्नैप तो बनती है, पहला बड़ा पाव भाई का, पहला बड़ा पाव बोल दे। ये लो भाई, लो बनाओ, जिसको बड़ा पाव का बनाना है लो। अब बोल ये वाली चाय, ये कौन सी चाय होती है? कैसा रहा सब जर्नी? बस बहुत बढ़िया, सही राइट टाइम आ गई एकदम, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि राइट टाइम आ गई। 15 मिनट लेट का मतलब पता है अपने 1 मिनट के बराबर होता। हेलो हेलो, हाय हाउ आर यू? पूरा कैमरा क्यों ऑन है? हेलो हाय हाउ आर यू? खाना खा के जा रहे हैं? क्या हालचाल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसी रही तुम लोगों की ट्रैवल? अरे एकदम जबरदस्त। हां बताइए, कितने साल बाद मिले? कितने साल बाद? शादी के बाद मिला हूं मैं। इसकी शक्ल देखने लायक है शादी के बाद। लेकिन अच्छा हुआ तुमने प्लान बना लिया। बिग बॉस हो जाएगा। लेकिन 2 दिन में कोई कैमरा नहीं यूज हो रहा है। वो कहते हैं ये हमारे भाई साहब है ना बहुत ही ज़्यादा सिंसियर वाले, ठीक है, ये छुट्टी जो है वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कंपनी वाले वेस्ट कर देंगे, मैं वेस्ट नहीं करूँगा।
स्टार्टिंग नंबर हमारे नाश्ते से मेरे नाश्ता ना भाई बहुत सही है क्या 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 ये मेरे लिए ओह माय गॉड मेरे लिए अरे बाप रे बाप थैंक यू यू वेलकम एक तो दो चीजें हैं ठीक है एक तो रक्षाबंधन है ठीक है और ये हमेशा हमारा फर्ज बनता है और ये रहता रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी आया है ये देखो हर जगह पे गिफ्टिंग एक्सचेंज हो रहा है गिफ्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और ये कुछ स्पेशल चीज के लिए भी है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अब तो आपको दिख गया अब तो यही यूज़ करना है और क्या अभी मुझे लग रहा है रवि के पिटारे में कुछ हो रहा है ये क्रिएटिव है बहुत क्रिएटिव है ये ठीक है ये बात सच है किसी के दिमाग में ये सब आना आपके वाला भी ओपन कर ले जो हम आपको देना चाहते बंडी ये ना ये जो ये वाला छोटा वाला है ये ना मम्मी ने बनाया है बनाया किस भेजा बताओ सो रवि बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे रवि बहुत पार्शल बंदा है सबके लिए लेके आया मेरे को छोड़ दिया और इसके लिए तो हमारे लिए बोलते हैं खुद आया ना वो नहीं ये खुद नहीं आया वो कितना बढ़िया है यार ये कितना अच्छा तोहफे हो यार कौन सा ऑड ऑड है बहुत सही वाह Thank you so much. आपका एहसान है अच्छा एक चीज़ बोलो भाई आपके लिए अगर आती है तो नहीं आएगी तो नहीं दो क्या मैथ्स का क्वेश्चन दे रहे हो क्या देखो ठीक है ये आ जाएगी हाँ भाई मुझे आ जाती है एक और है ब्लैक तो तुम जितना दे रहे हो यूनिक कलर है नहीं ये तुम पहलो नहीं नहीं ये आपके लिए है तो दोनों दो तो एक ही दो पहन के दो डबल एक्सल है भाई चार देखता अभी वो भी डबल एक्सल है ठीक है ठीक है चलो गाइस अब हम चलते हैं और आपको अगले व्लॉग के अंदर मिलेंगे ये व्लॉग अब हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं ठीक है अगर आपने व्लॉग को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें मन करें करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मिलते हैं बाय बाय
for his job.